करनाल पांचों विधानसभाओं के उम्मीदवारों का भाग्य अब ईवीएम में हो चुका है कैद। जिला प्रशासन द्वारा सभी पांच विधानसभाओं के अलग अलग बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम ईवीएम की सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। की जा रही है सुरक्षा थ्री लेयर में। केंद्रीय रिजर्व महिला पुलिस फोर्स आरपीएफ और जिला पुलिस के हवाले ईवीएम की सुरक्षा। 24 को होगी मतगणना और खुलेगा भाग्य का पिटारा। करनाल के पांचों विधानसभाओं के उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम कैद हो चुका है। अब करनाल में बनाए गए पांच मतगणना केंद्रों के स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखी गई है ईवीएम, जिसमें दयाल सिंह कॉलेज, कर्ण स्टेडियम, जिम्नास्टिक हॉल, ईडीएम, डीएवी कॉलेज व स्कूल एवं एसबीएफ पब्लिक स्कूल में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जिसकी सुरक्षा थ्री लेयर की जा रही है। सभी पांचों जगह पुलिस तरफ से सीआरपीएफ व आरपीएफ की थ्री लेयर सुरक्षा स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगाई गई है, जो 24 घंटे तैनात रहेगी। अब तक बिल्कुल ठीक ठाक जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कब तक रहेगी, कितनी ड्यूटी ली है तब तक सुरक्षा? ये जब तक काउंटिंग तक है, काउंटिंग के बाद भी अफसर क्या आदेश देते हैं उसके हिसाब से ईवीएम गार्ड लगी रहेगी। कितनी फोर्स, कौन कौन सी सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ और आईआरबी हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सभी के हवाले? हाँ, तीनों के, तीन लेयर बनी हुई है, वो अपने हिसाब से ड्यूटी करेंगे शिफ्टों में। गिनती तक हाँ, गिनती तक तो है ही, आगे भी अफसर जैसे आदेश करेंगे तो ईवीएम गार्ड कंटिन्यू रहती है।